गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर लास्ट इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस थी उन सब ने हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था, अब हम मेल को पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है भाई, ये ब्लैडर के पास में सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिर्फ मेल्स में पाई जाती है, ये पिबिक बोन, ये डक्टस डिफरेंस, यहाँ पे स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस, ये एपिडिडाइमस स्ट्रक्चर, और ये एक्सटर्नल जेनिटल में पैनिस और स्पंजी यूरेथ्रा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करना, उसको मैच्योर करना और उसको स्टोर करना। स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। सीमेन में स्पर्म की ये डिलीवरी करता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है। सीमेन तो उसमें ये डिलीवरी का भी काम करता है। तो ये इसके दो फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर स्क्रॉटम, जो कि एक पिगमेंटेड स्किन का पाउच होता है। पिगमेंटेड स्किन, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स से बना हुआ एक पाउच होता है ये, जो कि दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहता है। हर एक के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस रहती है, एक टेस्टिस, एक एपिडिडाइमस और टेस्टिकुलर एंड ऑफ अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड का टेस्टिकुलर एंड होता है। तो ये एक पाउच है जिसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस, एक एपिडिडाइमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड का टेस्टिकुलर एंड पाया जाता है। दूसरी स्ट्रक्चर है टेस्टिस, ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। फीमेल में ओवरी के जैसी ही मेल में टेस्टिस होती है, जो कि 4.5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। स्क्रॉटम में ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा सस्पेंडेड रहती है, लटकती हुई रहती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। इसके चारों तरफ तीन लेयर्स, टिश्यू की तीन लेयर्स पाई जाती है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये तीन कवरिंग होती है। ओवरी में, ओवरी 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर थी, टेस्टिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये इसके व्यूज बताए गए हैं अलग अलग। तो ये ट्यूनिका वेजिनालिस, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, 3 स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रही है। ट्यूनिका वेजिनालिस, बाहर तो स्किन का फोल्ड है, फिर ये ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया और सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। और ये लॉब्यूल्स हैं, स्क्रॉटम का सेप्टम दिखाया गया है, ये अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ऊपर चारों तरफ इसकी कवरिंग, स्मूथ मसल की कवरिंग है, ये एपिडिडाइमस है निकलता हुआ, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो इससे जुड़ी हुई है। दूसरे डायग्राम के अंदर भी ये तीनों की तीनों लेयर्स क्लियर बताई गई हैं। एपिडिडाइमस का हेड दिखाया गया है जो कि आगे जा कर के बॉडी बना रहा है एपिडिडाइमस की, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा है जिसको आप डिफरेंट डक्ट कहते हैं। यही आगे जाकर ये कॉइल सी हो रही है और आगे जा रही है। लॉब्यूल्स बताए गए हैं और हर एक टेस्टिस के बीच में ये सेप्टम दिखाए गए हैं जिसके अंदर कॉन्व्यूलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है, और ये इसके स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है जो बाहर निकलती हुई है, स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, अंदर तो कॉन्व्यूलेटेड है और बाहर स्ट्रेट फॉर्म में ये निकल रही है। स्ट्रक्चर, हर एक टेस्टिस में 200 से 300 लॉब्यूल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर हर एक लॉब्यूल में 1 से 4 कॉन्व्यूलेटेड लूप्स ऑफ जर्मिनल एपिथेल सेल्स पाई जाती है जिसको अपन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या होती है? कॉन्व्यूलेटेड लूप बनाती है जर्मिनल एपिथेल सेल्स की। ट्यूब्यूल्स के बीच में ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है जिसको अपन लेडिग सेल कहते हैं, जिसका काम होता है टेस्टो प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का सीक्रीशन। मेल का हार्मोन, मेन हार्मोन यही है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? लेडिग सेल से। इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन इसका काम होता है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये टेस्टिस जो है स्क्रॉटम में इसी कॉर्ड से सस्पेंडेड रहती है, हर एक कॉर्ड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल, 5 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, ज्वाइन होकर के ये डिफरेंट डक्ट बनाती है,
ताकि कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट बन सके। है तो ये खूब सारी, फिर ये ज्वाइन होकर के इजैक्युलेटरी, कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट बना लेती है। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो इसके अंदर का स्टोर्ड कंटेंट होता है फिर वो बाहर एक्सपेल होता है, जैसे सेमिनल फ्लूड वगैरह इजैक्युलेशन के दौरान बाहर निकलते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इजैक्युलेशन के दौरान सेमिनल फ्लूड जैसी चीज़ें बाहर निकलती हैं जो स्टोर्ड थी। अभी सेमिनल फ्लूड में 60% जो है वो सीमेन का वॉल्यूम पाया जाता है, विच फॉर्म 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। वॉल्यूम ऑफ सीमेन जो है वो 60% सेमिनल फ्लूड का बना होता है। ये एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि सीमेन का 60% वॉल्यूम सेमिनल फ्लूड का बना होता है जो सेमिनल वेसिकल से निकलता है। नेक्स्ट है इजैक्युलेटरी डक्ट, जो है वो दो ट्यूब्स होती हैं लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी, हर एक जो है वो डक्ट के यूनियन से बनती है, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम अ सेमिनल वेसिकल एंड अ डिफरेंट डक्ट। सेमिनल वेसिकल और डिफरेंट डक्ट से आने वाले डक्ट के यूनियन से बनने वाली इजैक्युलेटरी डक्ट होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होती हुई प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है और सेमिनल फ्लूड को कैरी करती है, जिसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं। सेमिनल फ्लूड और स्पर्मेटोजोआ को यूरेथ्रा तक कैरी करने का काम करती है, फिर यूरेथ्रा से तो बाहर निकलेगा ये। तो ये देखिए सेमिनल वेसिकल, ये डिफरेंट डक्ट दोनों आ रही हैं, दोनों एक साथ यूनाइट होकर के इजैक्युलेटरी डक्ट बना रही हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आकर के यूरेथ्रा में खुल रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड 8 ग्राम का वेट होता है यूथ में। ये प्रोग्रेसिवली एनलार्ज होती है क्योंकि इसमें हाइपरट्रॉफी पाई जाती है, और ना केवल हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया भी पाया जाता है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, और हाइपरप्लेसिया होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। तो इसमें साइज और नंबर जो है वो दोनों बढ़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उसको प्रोस्टेटाइटिस या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया कई बार देखने को मिल रहा होता है जब एज बढ़ती है। तो इसका वेट 40 ग्राम तक हो जाता है 50 साल की उम्र में, जबकि यूथ में केवल 8 ग्राम का इसका वेट है। इसका फंक्शन होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो सीक्रीट कर रही है वो थिन मिल्की फ्लूड होता है जो कि सीमेन का 30% वॉल्यूम बनाता है। 60% तो बनाया था पहले वाले ने सेमिनल फ्लूड ने, और 30% बना रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूड, और इसको मिल्की अपीयरेंस देता है। इसमें क्लॉटिंग एंजाइम पाए जाते हैं जो वेजाइना में सीमेन को थिकन करते हैं ताकि सीमेन जो है वो सर्विक्स के क्लोज अच्छे से रिटेन रह सके, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ सीमेन बीइंग रिटेन्ड क्लोज टू द सर्विक्स, ताकि सर्विक्स के पास में ये रिटेन्ड रह सके, ताकि वो थिकन हो जाए, ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होता इसी की वजह से, थिकनेस की वजह से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूरेथ्रा 19 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा, ये तीन इसके स्ट्रक्चर हैं, और इसमें 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट पैनिस, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये यूरेथ्रा जो है वो खुल रही है, ये रूट ऑफ पैनिस है और उसके पास बल्ब ऑफ पैनिस है जिसके अंदर अब ये यूरेथ्रा जा रही है, ट्रैवल हो रही है। इसके ऊपर साइड कॉर्पस कैवेनोसा के लाइनिंग, फिर उसी के पास ही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है। ये शॉफ्ट का स्ट्रक्चर है, अंदर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन यूरेथ्रा बोल ही रहे हैं। ग्लांस पैनिस है जो आगे का पार्ट होता है, ग्लांस पैनिस, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जहाँ से यूरिन वगैरह बाहर पास आउट होंगे। प्रिप्यूस और पैनिस के पीछे की स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रॉटम है। यहाँ पर इसका अच्छे से ये ऊपर तो ग्लांस पैनिस स्ट्रक्चर बनाई हुई है, उसके बाद ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा बताया गया है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो इसके अंदर की वो लेयर है। यहाँ पे ये यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है, ये बल्ब ऑफ पैनिस है, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ये इसकी स्लाइड देखिए, इसकी पिक्चर देख सकते हैं, स्किन, ये एंटीरियर आस्पेक्ट दिखाया गया है, स्किन है ये, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा यूरेथ्रा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। फिर ये यहाँ पर इसके वैस्कुलर स्पेसेस दिखाए गए हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर, जिसमें ब्लड भर जाता है इरेक्शन के दौरान। ये वो स्पेसेस हैं वैस्कुलर स्पेसेस जिसमें इरेक्शन के दौरान ब्लड भर जाता है, इसी से पैनिस जो है वो
इरेक्ट होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान, ये प्रोसेस चल रहा होता है। 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml सीमेन में पाए जाते हैं। अगर ये इजैक्युलेट नहीं होता, इफ़ नॉट इजैक्युलेटेड, स्पर्म ग्रेजुअली अपनी फर्टिलिटी खो देते हैं कई महीनों के बाद और वापस एपिडर्मिस के द्वारा ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और इजैक्युलेशन हुआ तो ठीक है, इसको जो अपने वर्किंग करनी है वो ये वर्किंग करेगा। तो बस इसके साथ में ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है आपका पार्ट, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ी है कि स्ट्रक्चर कैसी है और इसके फंक्शंस कैसे, वो हमने अपने इस क्लास के अंदर पढ़ लिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्टरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी क्लास ख़त्म हो गई, जिसमें अपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे को पढ़ लिया है। अब हम इसको इंडिविजुअल अलग से अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।